हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लेथ मशीन पे होने वाले कुछ ऑपरेशंस और उनको मैं आपको प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में किस तरह से वो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि एक मशीन के ऊपर पार्टिंग और फेसिंग ऑपरेशन एक साथ किस तरह से परफॉर्म होता है। उसके बाद आप देखेंगे जो हॉलो पाइप होता है, होलो सिलेंड्रिकल पाइप होता है, उसमें इंटरनल थ्रेड्स हम किस तरह से डाल सकते हैं, उसके लिए टूल आपको किस तरह से लगाना पड़ता है। उसके बाद देखेंगे कि जो होलो पाइप होता है उसके ऊपर आप टर्निंग परफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं मैंडल को और टेलीस्टॉक का सपोर्ट आप यूज़ करके। तो आइए हम वीडियो में देखते हैं ये पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है। हेलो एवरीवन, सो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, और इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा लेथ मशीन पर होने वाले कुछ ऑपरेशंस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लेथ मशीन है, और इस लेथ मशीन पे साइमल्टेनियसली दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पार्टिंग ऑपरेशन हो रहा है और प्लस जो फिनिशिंग है, फेसिंग ऑपरेशन है, वो भी परफॉर्म हो रहा है। तो आप देख सकते हैं दो टूल साइमल्टेनियसली माउंट हैं आपके टूल पोस्ट में, और यहाँ पर आपका ये एक टूल आपका जो पहले है वो बेसिकली पार्टिंग परफॉर्म कर रहा है, और इस तरफ वाला जो टूल है वो बेसिकली फिनिशिंग परफॉर्म कर रहा है। ये आपके जो रबर रेनफोर्स स्लिप बनती है वो बनाई जा रही है। तो यहाँ पे जो आपका सिलेंड्रिकल पाइप है, इस पाइप को काटा जा रहा है, मतलब जो स्लिप का साइज है उस साइज़ का, और इसके बाद कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। आप देख सकते हैं टूल की सेटिंग किस तरह से है, और दोनों अलग अलग तरह के टूल्स इसमें यूज़ हुए हैं। पार्टिंग के लिए अलग टूल यूज़ हुआ है और आपका फेसिंग के लिए अलग टूल यूज़ हुआ है, और ये दोनों HCS हाई कार्बन स्टील के टूल्स हैं। और इस तरह से पीछे से आप बार की फीडिंग कर रहे हैं। बेसिकली इसमें जो स्पिंडल है उस स्पिंडल में आर पार रहता है, तो स्पिंडल में पीछे आपका वो लगा हुआ है जो आपका हॉलो शाफ्ट है, हॉलो पाइप है। ये देख सकते हैं आप दूसरी तरफ से कैसे कटिंग परफॉर्म हो रहा है और किस तरह से टूल मूव कर रहा है। और एक बार जैसे ही आपका कटिंग पार्टिंग हो जाता है तो उसके बाद आपको उसको आगे निकालना पड़ता है। ये देख सकते हैं इसको, अब यहाँ पे आपने चक को खोला और इसको आगे निकाला इस तरह से, और ये टूल पर, और इसमें कितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपका यहाँ से जो कैरिज है, कैरिज से आपको पता चल जाता है टूल के मूवमेंट से कितना डिस्टेंस आपको चाहिए हो। बेसिकली ये दोनों जो टूल हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है उतना ही लेंथ का आपको स्लीव कट करना है इसमें। तो ये आपने पार्टिंग फेसिंग एक साथ देखा, और इसके बाद यहाँ पे इंटरनल थ्रेड कट किए जा रहे हैं। इंटरनल थ्रेड इसलिए कट किए जा रहे हैं जिससे इसमें जो रबर की मोल्डिंग की जाएगी वो रबर अच्छे से फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं थ्रेडिंग की जा रही, इंटरनल थ्रेड कट किए जा रहे हैं, और यहाँ पर इंटरनल थ्रेड कट करने के लिए मैनुअल फीडिंग प्रोवाइड की जा रही है इन्होंने। देख सकते हैं आप मैनुअल फीड दे रहे हैं, और ऑब्वियसली इसमें लीजिए आपको जो आपका लीड स्क्रू है उसको भी इंगेज किया होगा इन्होंने इस तरह से। आप देख सकते हैं कि चक में इन्होंने वर्कपीस को होल्ड किया, इसमें थ्री जो चक है और प्रीवियस मशीन में फोर चक लगा हुआ था। ये आपका जो चिप्स है MSSS का, ये चिप्स, और यहाँ पे इस तरह टूल का सेटिंग आप देख सकते हैं। इंटरनल थ्रेड कट करने के लिए किस तरह से आपका टूल पूरा सेट किया जाता है टूल पोस्ट के अंदर, और आप देख सकते हैं टूल पोस्ट में भी किस तरह की सेटिंग होती है। ये इस तरह के टूल हैं। आप आजकल जो ऑटोमेशन वाली मशीन है वहाँ पे इंसर्ट आती है, तो वो इंसर्ट मतलब लग जाती है टूल में, और एक टूल आपका काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। सिर्फ इंसर्ट आपको चेंज करना होता है, यूज एंड थ्रो जैसा होता है उसमें सिस्टम। ये आप देख सकते हैं टूल के किस तरह का टूल है। अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको थोड़ा टूल की जो ज्योमेट्री है वो भी थोड़ी सी अलग चीज चाहिए पड़ती है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से फीड प्रोवाइड किया जा रहा है। ये पूरा स्लीव बनता है, स्लीव एक मेजर कंपोनेंट होता है आपका जो पंप है, मतलब पंप में जैसे ये एक तरह से बियरिंग का काम करता है।
इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें इंटरनल सबसे पहले पार्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसके बाद यहाँ पे इंटरनल थ्रेड कट हो गए हैं, और इसके बाद आप देखेंगे एक दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं हम, और इसके बाद इसके ऊपर फेसिंग की जाएगी जिससे आपका जो एक्सरसाइज है वो, यहाँ पे आप मेन ड्रिल देख रहे हैं और आपका टेलीस्कोप उसमें सेंटर है, और इससे आप ये फेसिंग इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, और टूल इस तरह से आपने सेट कर रखा है जनरली पर, ये इस तरह से टर्निंग परफॉर्म करने के बाद आप माइक्रोमीटर से इसका साइज भी चेक करते हैं कि आपने जो साइज चाहिए था वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो मेन ड्रिल पे माउंट किया हुआ है, इस तरह सपोर्ट आप देख सकते हैं दोनों तरफ से, और आप देख सकते हैं टूल को किस तरह से टूल पोस्ट में माउंट किया गया है। मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि लेथ मशीन के ऊपर किस किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे आपने, और ये छोटा वर्क पीस है, इसमें टर्निंग के लिए कैसे ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, इसको मैंडल के ऊपर माउंट किया जा रहा है, क्योंकि आपको पूरी पर मशीन परफॉर्म करनी है तो आप चक में इसको माउंट नहीं कर सकते थे, तो आपने मैंडल यूज़ किया है। ये आप टूल देख सकते हैं, और टूल की ज्योमेट्री भी विशेष मैटर करती है यहाँ पर। इस तरह के बहुत सारे वीडियो में आने वाले समय में बनाऊंगा, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करें, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली स्केल मार्क होती है, उससे आप टूल को मूविंग करते हैं, और इसके बाद जैसे ये हो जाता है कंप्लीट, तो इसके बाद इसको रबर मोल्डिंग के लिए भेजा जाता है, इसके अंदर रबर इंजेक्ट की जाती है, और फिर उसके बाद जो पंप बनाने वाली कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर इसको भेजा जाता है। तो आज की वीडियो मैंने यही दिखाने की कोशिश की है कि इस तरह से लेथ मशीन का आप डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट यू पीपल आर डूइंग, प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट, थैंक यू।